वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग आज नया टॉपिक स्टडी करने वाले हैं जो कि फाइटो हार्मोन का एक टॉपिक है, और ये टॉपिक क्या हम लोग बोलेंगे, जिब्रेलिक एसिड, या हम लोग बोलेंगे जिब्रेलिन। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, फर्स्ट फाइटो हार्मोन जो कि ऑक्सिन था, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में स्टडी कर लिया है। ठीक है, आप प्ले लिस्ट पे जाके ऑक्सिन्स का सारा लेक्चर आप देखना, वन बाय वन देखना, आपको सारा कुछ समझ में आएगा और सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन बोलते हैं। ठीक है, ये एक तरह से बोल सकते हैं कि अगला फाइटो हार्मोन है ऑक्सिन के बाद। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो आज हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो फाइटो हार्मोन में कौन सा फाइटो हार्मोन स्टडी करेंगे, जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे याद रखना है। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या स्टडी करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि जिब्रेलिक एसिड का इंट्रोडक्शन एंड डिस्कवरी हम लोग देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि जिब्रेलिक एसिड का क्या क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, और वो कहाँ कहाँ मिलता है, जिब्रेलिक एसिड प्लांट्स के किस किस पार्ट पे मिलता है, जिसको बोलते हैं लोकेशन ऑफ जिब्रेलिक एसिड, वो स्टडी करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन कैसे करके बनता है, जिसको बोलते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ जिब्रेलिक एसिड, और ये बायोसिंथेसिस पाथवे को हम लोग बोलेंगे इनहिबिट करने के लिए क्या क्या इनहिबिटर्स है, ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्या देखेंगे कि जिब्रेलिक एसिड सिग्नलिंग पाथवे क्या होता है, ये हम लोग स्टडी करेंगे। और लास्ट में हम लोग क्या स्टडी करेंगे कि जिब्रेलिक एसिड का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, या हम लोग बोलेंगे जिब्रेलिक एसिड का फंक्शंस क्या है, ये हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर हम लोगों को जिब्रेलिक एसिड में 5 टॉपिक को स्टडी करना है और पूरे डिटेल में स्टडी करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे फर्स्ट याद रखिएगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि जिब्रेलिक एसिड का इंट्रोडक्शन क्या है, उसका डिस्कवरी कैसे हुआ, ये हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं अभी क्या बताऊंगा, इंट्रोडक्शन एंड डिस्कवरी ऑफ जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे जिब्रेलिक एसिड का सबसे पहला पार्ट जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रोडक्शन एंड डिस्कवरी ऑफ जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये बहुत आसान है, देखो कैसे करके समझते हैं। देखो यहाँ पर अगर इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे तो जिब्रेलिक एसिड क्या हम लोग बोलेंगे, एक फाइटो हार्मोन है, या जिब्रेलिन क्या हम लोग बोलेंगे, प्लांट हार्मोन है। ठीक है, तो नाम भी आ रहा है जिब्रेलिक एसिड आ रहा है ना, इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि जिब्रेलिक एसिड एक कैसा हार्मोन है, हम लोग बोलेंगे एसिडिक फाइटो हार्मोन है, जो कि हम लोग बोलेंगे प्लांट में दो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस को करता है। वैसे तो जिब्रेलिक एसिड का बहुत सारा फंक्शंस है, लेकिन याद रखना ये जो दो मेन फंक्शंस है ना, इसकी वजह से जिब्रेलिक एसिड्स को जाना जाता है। जैसे हम लोग बोलेंगे पहला मेन फंक्शन क्या है, स्टेम को इलोंगेट कराएगा, कौन, जिब्रेलिक एसिड। दूसरा हम लोग बोलेंगे सीड को जर्मिनेट भी कराएगा, कौन, हम लोग बोलेंगे जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, तो याद रखना है ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है किसका, जिब्रेलिक एसिड्स का। और भी बहुत सारा फंक्शंस है, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस की वजह से हम लोग बोलेंगे जिब्रेलिक एसिड्स को जाना जाता है। और सिमिलरली हम लोग अगर इससे पहले जो हम लोग क्या देखे थे, ऑक्सिन्स पढ़े थे ना इससे पहले हम लोग, तो ऑक्सिन्स का वैसे तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, लेकिन जो दो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हम लोग बोलेंगे, वो हम लोग बोलेंगे एक एपिकल डोमिनेंस, और दूसरा क्या हम लोग बोलेंगे, फोटोट्रॉपिज्म। तो ये दो, जब भी कभी ये दो फंक्शन आएगा, फोटोट्रॉपिज्म एंड एपिकल डोमिनेंस, तो दिमाग में क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे ऑक्सिन आएगा। जब भी कभी टर्म आएगा स्टेम इलोंगेशन एंड सीड जर्मिनेशन, तो दिमाग में क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे जिब्रेलिन आएगा, जिब्रेलिक एसिड आएगा। ठीक है, तो याद रखना है यही इंट्रोडक्शन है किसका, हम लोग बोलेंगे जिब्रेलिक एसिड का, कि जिब्रेलिक एसिड क्या होता है, वैसा एसिडिक फाइटो हार्मोन होता है, जो कि हम लोग बोलेंगे वैसे तो बहुत सारा काम कर रहा था, हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन जिसका दो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्या चीज, हम लोग बोलेंगे स्टेम इलोंगेशन एंड हम लोग बोलेंगे सीड जर्मिनेशन। ठीक है, याद रखना है। तो अब क्वेश्चन आता है, ये जिब्रेलिक एसिड को कैसे करके डिस्कवर किया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, तो याद रखना, देखो ध्यान से, जिब्रेलिक एसिड को डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट था उसका नाम क्या था, हम लोग बोलेंगे इची कुरोसोवा। ठीक है, और ये कहां डिस्कवर किया गया था, हम लोग बोलेंगे जापान में डिस्कवर किया गया था। कब डिस्कवर किया गया था, हम लोग बोलेंगे 1926 में किया गया था, याद रखना है। तो मैंने क्या बोला कि जिब्रेलिक एसिड्स को डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट है उसका नाम क्या, हम लोग बोलेंगे जापानीज साइंटिस्ट है, इसका नाम क्या, हम लोग बोलेंगे इची कुरोसोवा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि कैसे करके डिस्कवर हुआ था, किसका डिस्कवरी हुआ था, किसका, जिब्रेलिक एसिड्स का। ठीक है, तो देखो वही मैंने यहाँ पर लिखा है जिसको मैं एक डायग्राम से समझाता हूँ, और ये बहुत आसान है। देखो क्या चीज है, देखो हम लोग क्या जानते हैं, देखना ध्यान से समझना जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, जो मैं बताना चाह रहा हूँ बहुत आसान है। देखो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो कि एक राइस का सीड, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, राइस का सीड है मान लो। ठीक है, राइस का सीड है, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, धान भी बोलते हैं।
तो अब देखो ध्यान से, जब ये सीड हम लोग बोलेंगे ऐसे करके जर्मिनेट करने लगता है ना, जब ये सीड जर्मिनेट करने लगता है तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तब इसको हम लोग बोलेंगे सीड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, राइस सीडलिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, राइस सीडलिंग बोलेंगे। याद रखना है, जब सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा था उस टाइम पे हम लोग क्या बोलेंगे, राइस सीड बोलेंगे। जब ये सीड जर्मिनेट करने लगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइस सीडलिंग बोलेंगे। ठीक है, अब ये राइस सीडलिंग ही हम लोग बोलेंगे आगे जाके क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे प्लांट बनाएगा। और वो कौन सा प्लांट होगा, हम लोग बोलेंगे वो प्लांट को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हम लोग बोलेंगे राइस प्लांट। ठीक है, हम लोग ऐसा बोलेंगे। ठीक है ना, अब देखो ध्यान से, नॉर्मली क्या होता है समझना है, नॉर्मली क्या होता है हम लोग बोलेंगे ये जो राइस का जो प्लांट है, ठीक है, राइस का जो प्लांट है उसका जो हाइट होता है नॉर्मली वो कितना होता है, हम लोग बोलेंगे 3 to 4 feet होता है। ठीक है, नॉर्मली हम लोग बोलेंगे जो राइस प्लांट होता है उस प्लांट का हाइट कितना होता है, या हम लोग बोलेंगे वो प्लांट कितना टॉल होता है, हम लोग बोलेंगे नॉर्मली 3 to 4 feet क्या होता है, वो टॉल होता है। आप देख सकते हैं जैसे कि अगर आप कभी खेत में जाइएगा, खेत में देखना जो धान का जो फसल उगता है, ठीक है, उसका लेंथ देखना वो कितना रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 4 feet रहेगा, या हम लोग बोलेंगे 5 feet तक रहेगा। ठीक है, वही उसका नॉर्मल लेंथ है। ठीक है, जिसको हम लोग राइस प्लांट भी बोलते हैं। लेकिन देखना ध्यान से, लेकिन हुआ क्या, हम लोग बोलेंगे नॉर्मली क्या होता है, राइस प्लांट का जो लेंथ होता है वो कितना होता है, 3 to 4 feet। लेकिन हम लोग बोलेंगे कि क्या हुआ, देखा गया है कि जो कुछ ऐसा भी राइस का प्लांट था जिसका लेंथ हम लोग बोलेंगे कितना फीट चला गया, हम लोग बोलेंगे कितना फीट चला गया, हम लोग बोलेंगे जिसका हम लोग बोलेंगे लेंथ 12 या हम लोग बोल सकते हैं 13 to 14 feet टॉल हो गया, 13 to 14 feet क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे टॉल हो गया राइस का प्लांट। ठीक है, तो ये क्या मैंने बनाया है, ये मैंने बनाया क्या, हम लोग बोलेंगे ये राइस का प्लांट है। ठीक है, तो ध्यान से देखो यहाँ पर ये जो राइस का प्लांट है वो हम लोग बोलेंगे क्या हो गया, एक्सट्रीम क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे टॉल हो गया, कितना फीट पहुंच गया, हम लोग बोलेंगे 13 to 14 feet पहुंच गया। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, ये जो एक्सट्रीम जो टॉल हो गया ना राइस का प्लांट, ठीक है, नॉर्मली 3 to 4 feet होता है, लेकिन ये जो एक्सट्रीमली टॉल हो गया राइस का प्लांट उसको हम लोग बोलेंगे कि जापान का जो फार्मर्स थे, वो फार्मर्स अपने लैंग्वेज में क्या बोले, वो फार्मर्स अपने लैंग्वेज में इसको बोले कि बकाने डिजीज है। इसको क्या बोले, बकाने डिजीज बोले। ठीक है, किसको बोले, वैसा राइस का प्लांट जो हम लोग बोलेंगे एबनॉर्मली क्या हो गया, टॉल हो गया, कितना से कितना फीट पहुंच गया, हम लोग बोलेंगे 13 to 14 feet पहुंच गया। ठीक है, याद रखना है, तो फार्मर्स क्या बोले अपने लैंग्वेज में, क्या बोले इस डिजीज को, क्या बोले, हम लोग बोलेंगे बकाने डिजीज। ठीक है, और ये बकाने डिजीज मतलब ये लोग का अपना लैंग्वेज था, ये जापानीज लैंग्वेज है बकाने, तो ये बकाने जो टर्म है उसको जब रिवील किया गया तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हम लोग बोलेंगे फूलिश, इसका मतलब क्या होता है, हम लोग बोलेंगे फूलिश शिडलिंग डिजीज हो गया इसका मतलब। ठीक है, तो फूलिश शिडलिंग का मतलब क्या हो गया कि ये जो शिडलिंग है, वो हम लोग, ये जो राइस का जो शिडलिंग है वो हम लोग बोलेंगे फूलिश बिहेवियर कर रहा है, फूलिश बिहेव को शो कर रहा है, मतलब ये क्या हो गया, एक्सट्रीमली क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे टॉल हो गया, कितना से कितना फीट पहुंच गया, हम लोग बोलेंगे 13 to 14 feet पहुंच गया, लेकिन नॉर्मली कितना होना चाहिए था, हम लोग बोलेंगे 3 to 4 feet होना था। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फूलिश शिडलिंग डिजीज, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बकाने डिजीज। अब देखो यहां पर ये नॉर्मल है, देखो यहां पर मैंने क्या लिखा है, डिस्कवरी में बता रहा हूं, देखना ध्यान से, यहां पर मैंने क्या लिखा है कि नॉर्मली जो राइस का जो सीडलिंग होता है उसका हाइट कितना होता है, हम लोग बोलेंगे 3 to 4 feet होता है, लेकिन हम लोग बोलेंगे कुछ राइस का सीडलिंग ऐसा भी था जब वो राइस प्लांट बना तब उसका हाइट कितना हो गया, हम लोग बोलेंगे 12 to 13 feet या 13 to 14 feet, कुछ भी लिखिए दोनों सही है, तब उसका जो लेंथ था वो कितना पहुंच गया, हम लोग बोलेंगे 12 to 13 feet या हम लोग बोल सकते 13 to 14 feet। तो ध्यान से देखो, ये जो एक्सट्रीमली टॉल जो राइस का प्लांट हो गया ना, इसको जापान में जो फार्मर्स थे उन्होंने क्या बोला, हम लोग बोलेंगे बकाने डिजीज, और ये उनका लैंग्वेज था किनका, हम लोग बोलेंगे फार्मर्स का लैंग्वेज था, ये जापानीज लैंग्वेज है। तो जब ये लैंग्वेज को, बकाने को जब रिवील किया गया तो इसका मतलब क्या होता है, हम लोग बोलेंगे इसका मतलब क्या होता है, हम लोग बोलेंगे इसका मतलब होता है फूलिश शिडलिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, बकाने का मतलब क्या, फूलिश शिडलिंग, इसका मतलब हो गया कि ये जो शिडलिंग है ना, ये जो शिडलिंग है वो हम लोग बोलेंगे एक्सट्रीमली टॉल हो गया है, इसका मतलब ये कैसा बिहेव कर रहा है, हम लोग बोलेंगे फूलिश बिहेव कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूलिश शिडलिंग डिजीज बोलते हैं, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब ये जो फूलिश शिडलिंग डिजीज था ना,
बाद में ये पता चला ये जो फूलिश शिटलिंग डिजीज या बकानी डिजीज है, ये एक तरह का कैसा डिजीज हम लोग बोलेंगे, ये एक तरह का हम लोग बोलेंगे फंगल डिजीज है, ये एक तरह का क्या चीज है हम लोग बोलेंगे फंगल डिजीज है। ठीक है, याद रखना है क्यों फंगल डिजीज है ये अभी पता चलेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, देखो ध्यान से, बकानी डिजीज जो है वो कैसा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूलिश शिटलिंग डिजीज। ठीक है, जो कि क्या है हम लोग बोलेंगे एक तरह से फंगल डिजीज है। ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ तक जो मैं लिखा हूं उसको मैं बताया यहाँ तक कैसे करके जिब्रेलिक एसिड का डिस्कवरी हुआ वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से, यही से रिलेटेड है। देखो इसको हम लोग दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो ध्यान से, मान लो कि हम लोग बोलेंगे, मान लो यहाँ पर क्या चीज है, देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो हम लोग बोलेंगे बहुत सारा राइस का प्लांट है ऐसे करके। ठीक है, ये मान लो पहला राइस का प्लांट है जो कि नॉर्मल है। ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, राइस का प्लांट है। ठीक है, ये नॉर्मल है, कितना आप लोग बोलेंगे इसका हाइट कितना है, 3 to 4 feet है, 3 to 4 feet है। ठीक है, यहाँ भी देखो ध्यान से, ये भी क्या चीज है, ये भी हम लोग बोलेंगे राइस का प्लांट है, इसका भी हाइट क्या हम लोग बोलेंगे, नॉर्मल है। ठीक है, ये भी राइस का प्लांट है, इसका भी हाइट क्या हम लोग बोलेंगे, नॉर्मल है। ये जो राइस का प्लांट है इसका हाइट क्या हम लोग बोलेंगे, इसका हाइट क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एक्सट्रीमली टॉल है। इसका मतलब ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एबनॉर्मल है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, बकानी डिजीज बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, फूलिश शिटलिंग डिजीज बोलेंगे। ठीक है, तो सिमिलरली हम लोग बोलेंगे फिर से राइस का प्लांट है, देखो ध्यान से, फिर ये नॉर्मल है, फिर से राइस का प्लांट है, फिर ये नॉर्मल है। ठीक है, फिर से देखो ये राइस का प्लांट है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एक्सट्रीमली टॉल है, एक्सट्रीमली टॉल है, मतलब इस डिजीज को क्या बोले हम लोग, बोलेंगे बकाने डिजीज, या क्या बोलेंगे, फूलिश शिटलिंग डिजीज बोलेंगे। तो मैं ये क्यों बना रहा हूं ऐसा करके, मैं इसीलिए ऐसा करके बना रहा हूं कि जब मतलब जापान में जो ऐसे करके हम लोग बोल सकते हैं, जापान में जो खेत था ना, खेत, ठीक है, खेत का मतलब होता है जहां पर हम लोग बोलेंगे धान का खेती होता है। ठीक है, जहां पर राइस प्लांट को ग्रो किया जाता है। ठीक है, तो देखो यहां पर जब राइस प्लांट को ग्रो किया गया, जो खेत था उसमें, ठीक है, जापान में, तो नॉर्मली देखो जो राइस का जो प्लांट का जो हाइट था ना वो कितना दिख रहा था, 3 to 4 feet दिख रहा था। ठीक है, और जो एक्सट्रीमली टॉल जो राइस का प्लांट था वो आसानी से क्या आ जा रहा था, हम लोग बोलेंगे नजर में आ जा रहा था। ठीक है, तो तभी जापान के जो फार्मर्स है वो उसको क्या बोले, बकाने डिजीज बोले। बकाने का मतलब क्या होता है, फूलिश शिटलिंग डिजीज। इसका मतलब ये जो सिडलिंग है, राइस का जो सिडलिंग है वो फूलिश बिहेवियर कर रहा है, मतलब ये एक्सट्रीमली क्या हो जा रहा है, हम लोग बोलेंगे टॉल हो जा रहा है। ठीक है, और ये फूलिश शिटलिंग डिजीज बाद में पता चला कि क्या किस कैसा डिजीज हम लोग बोलेंगे, फंगल डिजीज है, इट इज अ टाइप ऑफ फंगल डिजीज। क्यों है ये मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यहां तक जो लिखा हूं उसके बारे में मैं यहां तक बताया। अब इसके आगे देखो क्या हुआ, देखो ध्यान से, इसके आगे मैं यहां पर मिटा रहा हूं और उसके बाद बताता हूं इसके आगे हुआ क्या। ठीक है, तो देखो इसके आगे अब क्या हुआ, ये जो हम लोग बोलेंगे राइस का जो प्लांट है ना, जो एक्सट्रीमली क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे देखो ध्यान से, एक्सट्रीमली क्या हो गया था, टॉल हो गया था। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, फूलिश शिटलिंग डिजीज, या क्या बोल रहे थे, बकाने डिजीज। ठीक है, ये राइस के प्लांट को हम लोग बोलेंगे, जो इसका प्लांट का जो रूट था ना, देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मान लो इसका रूट है प्लांट का। ठीक है, ये राइस प्लांट का मान लो ये रूट है। ठीक है, ये जो रूट है उसको ऑब्जर्व किया कौन, हम लोग बोलेंगे ये साइंटिस्ट इची कुरोसोवा। ठीक है, इची कुरोसोवा क्या किया, ये जो बकाने डिजीज है, हम लोग बोलेंगे एक्सट्रीमली टॉल जो क्या चीज है, राइस का जो प्लांट है, ठीक है, उसके रूट को जब ये ऑब्जर्व किया इची कुरोसोवा, तब देखो ध्यान से, तब इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि इसके रूट में क्या लगा हुआ है, हम लोग बोलेंगे ऐसे करके फंगस लगा हुआ है ऐसे करके। ठीक है, बहुत सारा फंगस क्या कहाँ लगा हुआ है, हम लोग बोलेंगे इसके रूट में लगा हुआ है। किसके रूट में, हम लोग बोलेंगे ये जो राइस सीडलिंग का जो प्लांट है उसके रूट में क्या लगा हुआ है, हम लोग बोलेंगे फंगस लगा हुआ है। ठीक है, फंगस लगा हुआ है। ठीक है, अब ये फंगस क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे यही फंगस हम लोग बोलेंगे क्या कर रहा है, इस प्लांट में एक डिजीज को कॉज कर रहा है, जिसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, बकाने डिजीज, या हम लोग बोलेंगे फूलिश शिटलिंग डिजीज, और हम लोग बोलेंगे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंगल डिजीज। तो फंगल डिजीज हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो बकाने डिजीज है, ये जो राइस का प्लांट एक्सट्रीमली टॉल हो जा रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, हम लोग बोलेंगे वो इसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बोलेंगे इसका जो रूट है राइस प्लांट का, उसमें क्या लगा हुआ है, फंगस लगा हुआ है। ठीक है, अब फंगस लगा हुआ इसका मतलब, बट ऑब्वियसली क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे फंगल डिजीज को कॉज करेगा। फंगल डिजीज कुछ नहीं है, बकाने डिजीज है, हम लोग बोलेंगे फूलिश शिटलिंग डिजीज है। तो ये साइंटिस्ट जो थे इची कुरोसोवा, वो क्या ऑब्जर्व किए, इसके रूट में बहुत सारा फंगस को ऑब्जर्व किए। ठीक है, तो जब ये फंगस को ऑब्जर्व किए, तो इस फंगस का नाम यहाँ पर दिया गया, हम लोग बोलेंगे क्या दिया गया, जिब्रेला। देखो मैं यहाँ पर लिखा हूं क्या दिया गया, इसका साइंटिफिक नेम क्या चीज है, जिब्रेला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज, फूजीकोराई। देखो फूजीकोराई, ठीक है, ये इसका क्या हम लोग बोलेंगे साइंटिफिक नेम है, किसका, ये फंगस का। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, और इसका दूसरा नाम भी है,
हम लोग बोलेंगे फुसेरियम फुजिवराई, ठीक है, याद रखेंगे फंगस है जो कहां पर, वो जो कहां पर, जो किसको ये किया हम लोग बोलेंगे इन्फेक्ट किया, हम लोग बोलेंगे जो राइस सीडलिंग का जो रूट है उसको इन्फेक्ट किया, याद रखना है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, अब एक्चुअल में क्या हुआ था, ये जो इची कुरोसावा है ना, उन्होंने क्या किया, इस फंगस को जब देखा, इस फंगस को जब बाहर निकाल के देखा, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, देखो ध्यान से, ये जो फंगस है इसको जब देखा कौन, हम लोग बोलेंगे इची कुरोसावा, तब देखा कि ये फंगस क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे ये फंगस क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे कुछ ग्रोथ फैक्टर को बना रहा है, ठीक है, कुछ ग्रोथ फैक्टर को बना रहा है, और ये ग्रोथ फैक्टर का हम लोग बोलेंगे जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो बहुत ज्यादा है, किसके अंदर, हम लोग बोलेंगे फंगस के अंदर, ठीक है। और ये जो ग्रोथ फैक्टर है इसी को इन्होंने क्या बोला, इसी को इन्होंने बोला हम लोग बोलेंगे जिब्रेलिन बोला, इसी को इन्होंने क्या बोला हम लोग बोलेंगे जिब्रेलिन बोला, क्यों, क्योंकि फंगस का नाम ही क्या है जिब्रेला, तो इन्होंने क्या बोला ये ग्रोथ फैक्टर को जिब्रेलिन, ठीक है। बाद में पता चला कि ये जिब्रेलिन क्या चीज, हम लोग बोलेंगे एसिडिक इन नेचर है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया, जिब्रेलिक एसिड बोल दिया गया। इसका मतलब ये जो फंगस था ना, फंगस मतलब कौन सा फंगस, हम लोग बोलेंगे जिब्रेला फुजिकोराई, या हम लोग बोलेंगे फुसेरियम फुजिकोराई, वो उसके अंदर क्या बन रहा था, हम लोग बोलेंगे बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या बन रहा था, हम लोग बोलेंगे जिब्रेलिन बन रहा था, जिब्रेलिन लाइक सब्सटेंस बन रहा था या ग्रोथ फैक्टर बन रहा था। और ये ग्रोथ फैक्टर या जिब्रेलिन हम लोग बोलेंगे कहां जा रहा था, हम लोग बोलेंगे ट्रांसफर हो जा रहा था कहां, हम लोग बोलेंगे प्लांट में, ठीक है। इसकी वजह से हम लोग बोलेंगे प्लांट का हाइट जो है वो क्या हो गया था, हम लोग बोलेंगे प्लांट का हाइट क्या होता है एक्सट्रीमली, हम लोग बोलेंगे क्या हो गया था, टॉल हो गया था, कितना से कितना फीट, हम लोग बोलेंगे 13-14 feet हो गया था, ठीक है, याद रखना है। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पर, इसका मतलब हम लोग को यहाँ पर ये समझ में आता है कि ये जो एक्सट्रीमली जो टॉल हो रहा था राइस का प्लांट, वो किसकी वजह से हो रहा था, हम लोग बोलेंगे वो हो रहा था, हम लोग बोलेंगे जिब्रेलिन की वजह से, या हम लोग बोलेंगे जिब्रेलिक एसिड की वजह से, इसको कौन बना रहा था, हम लोग बोलेंगे फंगस। और ये फंगस कहां पर ये क्या था इन्फेक्ट, हम लोग बोलेंगे राइस सीडलिंग के रूट में, ठीक है, रूट में इन्फेक्ट किया था। तो इसका मतलब इस राइस सीडलिंग को कौन सा डिजीज हो गया, फंगल डिजीज, मतलब हम लोग बोलेंगे फंगस से क्या निकल रहा था, जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड लाइक सब्सटेंस जो इस प्लांट में जा रहा था, और ये प्लांट को क्या करा रहा था, हम लोग बोलेंगे टॉल करा रहा था, एक्सट्रीमली टॉल करा दे रहा था, ठीक है, याद रखना है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो ध्यान से, This Bakane disease is caused by a fungus known as, हम लोग बोलेंगे Jibrella fusiporae, जिसको Fusarium fusiporae भी बोलते हैं, which infects the root of the rice seedling, जो कि infect करता है क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे root of the rice seedling plants and causes abnormal long growth of these plant and causes abnormal long growth of these plant, और इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग बोलेंगे Bakane disease बोल रहे हैं, या foolish seedling disease बोल रहे हैं, या हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, फंगल डिजीज बोल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग बोलेंगे किसका कॉन्सेप्ट आया, जिब्रेलिन का कॉन्सेप्ट आया, या हम लोग बोलेंगे जिब्रेलिक एसिड का कॉन्सेप्ट आया, मतलब जिब्रेलिन जब भी रहेगा तो वो क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, इस स्टेम को इलोंगेट कराएगा। इसीलिए देखो यहाँ पर एक फंक्शन है क्या चीज, कि जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन का काम क्या चीज है, स्टेम को इलोंगेट करा देना, ठीक है, जिसकी वजह से प्लांट का हाइट क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमली हम लोग बोलेंगे टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग बोलेंगे डिस्कवर किया गया क्या चीज, हम लोग बोलेंगे जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन, ठीक है। तो अब इसके आगे क्या हुआ, इसको मैं बता रहा हूँ, ठीक। तो देखो उसके आगे फिर क्या हुआ, उसके आगे देखो क्या हुआ, ध्यान देना यहाँ पर, ये जो एक्सट्रीमली टॉल जो राइस सीडलिंग का जो प्लांट है, जिसको हम लोग क्या बोल, इसको हम लोग बोलते हैं Bakane डिजीज या फुलिश सीडलिंग डिजीज, जो कि एक तरह से फंगल डिजीज है, ठीक है। अगर इस प्लांट को देखेंगे तो ये प्लांट को अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये प्लांट का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये जो स्टेम होगा ना ये बिल्कुल थिन होगा, ठीक है, याद रखिए। इसीलिए प्लांट क्या होगा, हम लोग बोलेंगे झुका हुआ रहेगा, ठीक है। और ये प्लांट का जो लीफ होगा वो बिल्कुल येलोइश टाइप का दिखेगा, और इसमें जो ग्रेन अगर बनता है ना तो वो क्या होगा, या तो पार्शियली फिल्ड ग्रेन होगा, या हम लोग बोलेंगे उसमें ग्रेन नहीं बनेगा, एम्प्टी ग्रेन होगा ऐसे प्लांट्स में, ठीक है। वैसे प्लांट जिसमें क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे Bakane डिजीज हो गया, या हम लोग बोलेंगे फुलिश शेडलिंग डिजीज हो गया, ठीक है। तो ये इसका, इस प्लांट का क्या हम लोग बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब देखो अब क्या हुआ, याद रखना है कि ये जो फंगस है ना, ये फंगस जिब्रेलिन को बहुत ज्यादा अमाउंट में बनाता है, कहां, अपने अंदर, ठीक है, जिब्रेलिन को बहुत ज्यादा अमाउंट में बनाता है। लेकिन जो मोस्ट अबंडेंट जो जिब्रेलिक एसिड जो फंगस में बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिब्रेलिक एसिड 3, ठीक है। तो मैंने यहां पर क्या लिखा, मैंने यहां पर क्या बताया कि ये जो जिब्रेलिक एसिड है, याद रखना ये जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, हम लोग बोलेंगे बहुत टाइप का क्या करता है, जिब्रेलिक सॉरी ये जो फंगस है जिसको हम लोग जिब्रेला फुजिकोराई बोलते हैं, ये अपने अंदर बहुत टाइप का क्या करता है, हम लोग बोलेंगे जिब्रेलिक एसिड का सिंथेसिस करता है। लेकिन जो मोस्ट अबंडेंट जिब्रेलिक एसिड है फंगस के अंदर मिलने वाला, वो कौन है, हम लोग बोलेंगे वो जिब्रेलिक एसिड 3 है, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वही मैंने यहाँ पर लिखा है
कि जिब्रेला फुजिकोराई जो है वो क्या करता है, अपने अंदर बहुत सारा जिब्रेलिक एसिड्स को बनाता है, ठीक है, सिंथेसाइजेस मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जिब्रेलिक एसिड, बट दी मोस्ट अबंडेंट जिब्रेलिक एसिड फाउंड इन जिब्रेला फुजिकोराई इज क्या चीज, हम लोग बोलेंगे जिब्रेलिक एसिड 3, याद रखना ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हम लोग बोलेंगे कि ऐसा ही सब्सटेंस जिब्रेलिक एसिड के जैसा ही सब्सटेंस कहां मिला, हम लोग बोलेंगे कहां मिला, हम लोग बोलेंगे प्लांट्स में भी मिल गया। ये मान लो क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये मान लो प्लांट्स है, ठीक है। बाद में देखा गया, हम लोग बोलेंगे कि प्लांट्स के केस में भी क्या मिल रहा है, हम लोग बोलेंगे जिब्रेलिक एसिड के जैसा हम लोग बोलेंगे सब्सटेंस मिल रहा है, ठीक है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हम लोग बोलेंगे कम है एज कम्पेयर टू क्या चीज, हम लोग बोलेंगे फंगस। फंगस में जो जिब्रेलिक एसिड जो या जिब्रेलिक एसिड जैसा सब्सटेंस जो मिल रहा था उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा था, इतना ज्यादा था कि ये क्या करा दिया, हम लोग बोलेंगे ये जो राइस सीडलिंग का जो प्लांट था उसको एक्सट्रीमली टॉल करा दिया, ठीक है। लेकिन बाद में देखो ध्यान से, बाद में क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे लेटर ऑन इट वॉज फाउंड दैट द प्लांट ऑल्सो प्रोड्यूसेस जिब्रेलिक लाइक सब्सटेंसेस बट इन लोअर अमाउंट देन फंगस। बाद में ये पाया गया कि प्लांट भी क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे जिब्रेलिक एसिड को बना रहा है, लेकिन हम लोग बोलेंगे ये जो जिब्रेलिक एसिड को बनाता है प्लांट उसका जो अमाउंट होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू हम लोग बोलेंगे फंगस जिब्रेला फुजिकोराई, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब यही है। अब देखो ध्यान से, अब सबसे पहला याद रखना है, सबसे पहला जो प्लांट जिब्रेलिक एसिड जो आइडेंटिफाई किया गया, सबसे पहला जो हम लोग बोलेंगे फर्स्ट प्लांट जिब्रेलिक एसिड जो आइडेंटिफाई किया गया उसको हम लोग क्या बोले, उसको बोला गया जिब्रेलिक एसिड 1, ठीक है। 1 यहां पर डिस्कवरी के अकॉर्डिंग हुआ, ये सबसे पहला आया इसीलिए इसको क्या बोला गया, जिब्रेलिक एसिड 1। इसके बाद जो डिस्कवरी होगा उसको क्या बोलेंगे, जिब्रेलिक एसिड 2, ऐसे करके। तो वही मैंने लिखा है कि फर्स्ट प्लांट जिब्रेलिक एसिड वाज कॉल्ड जिब्रेलिक एसिड 1, याद रखना प्लांट में सबसे पहला जिब्रेलिक एसिड जो डिस्कवर किया गया वो क्या था, हम लोग बोलेंगे जिब्रेलिक एसिड 1 था, ठीक है। Which was discovered in, हम लोग बोलेंगे extract of, हम लोग बोलेंगे bean seeds, ठीक है, याद रखना इसको, ठीक है। अभी तक देखो ध्यान से, अभी तक हम लोग बोलेंगे 136 जिब्रेलिक एसिड को आइडेंटिफाई किया गया है, कहां कहां से, हम लोग बोलेंगे प्लांट से, फंगस से और बैक्टीरिया से, मतलब प्लांट फंगस बैक्टीरिया को मिलाकर हम लोग बोलेंगे अभी तक कितना जिब्रेलिक एसिड को खोजा जा चुका है, हम लोग बोलेंगे 136 जिब्रेलिक एसिड को खोजा जा चुका है, ठीक है। तो यही इसके पीछे कॉन्सेप्ट था, हम लोग बोलेंगे डिस्कवरी और क्या चीज, हम लोग बोलेंगे जिब्रेलिन के पीछे। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या रखना है आपको याद, आपको ये रखना है कि जो फंगस है जिब्रेला फुजिकोराई, इसका साइंटिफिक नेम याद रखना है, ये क्या करता है, बहुत टाइप का क्या बनाता है, हम लोग बोलेंगे जिब्रेलिक एसिड जैसा सब्सटेंस को बनाता है, याद रखना है, मतलब जिब्रेलिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग बोलेंगे इस फंगस के अंदर बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है। लेकिन मोस्ट अबंडेंट कौन रहता है, कौन सा जिब्रेलिक एसिड मिलता है इस फंगस में, याद रखना है जिब्रेलिक एसिड 3, याद रखना है, ठीक है। बाद में प्लांट्स भी क्या करता है, हम लोग बोलेंगे जिब्रेलिक एसिड्स के जैसा सब्सटेंस बनाता है, लेकिन इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है प्लांट्स में जो जिब्रेलिक एसिड्स जो मिल रहा है उसका कॉन्सेंट्रेशन हम लोग बोलेंगे फंगस में जो जिब्रेलिक एसिड्स है उससे कम है, ठीक है, याद रखना है। इसीलिए जो प्लांट्स का जो ग्रोथ होता है ना वो नॉर्मल ग्रोथ होता है, ठीक है। लेकिन अगर वैसा प्लांट जिसका नॉर्मली ग्रोथ हो रहा है अगर उसको इस फंगस से इन्फेक्ट कर दिया जाए उसके रूट को, तो उस प्लांट्स में जिब्रेलिक एसिड्स का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये फंगस ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, जिब्रेलिक एसिड्स बना रहा है, और वो जिब्रेलिक एसिड जब प्लांट्स में चला जाएगा तो प्लांट्स का ऑलरेडी जिब्रेलिक एसिड्स है, और ये इसका जिब्रेलिक एसिड्स दोनों मिलकर क्या होगा, जिब्रेलिक एसिड्स का कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा हो जाएगा कि प्लांट्स का जो हम लोग बोलेंगे एक्सट्रीमली टॉल हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है। उसके बाद मैंने क्या लिखा है कि जो प्लांट के केस में जो सबसे पहला जिब्रेलिक एसिड जो डिस्कवर किया गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिब्रेलिक एसिड 1, ठीक है। किस प्लांट के सीड से डिस्कवर किया गया था, हम लोग बोलेंगे एक्स्ट्रैक्ट ऑफ हम लोग बोलेंगे बीन सीड्स, याद रखना है। अभी तक हम लोग बोलेंगे प्लांट को मिला के, फंगस को मिला के, बैक्टीरिया को मिला के कितना जिब्रेलिक एसिड अभी तक खोजा जा चुका है या आइडेंटिफाई किया जा चुका है, हम लोग बोलेंगे 136 जिब्रेलिक एसिड अभी तक आइडेंटिफाई किया जा चुका है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रोडक्शन एंड डिस्कवरी ऑफ जिब्रेलिक एसिड्स। तो ये खत्म हुआ। अगला लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, अगला लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जिब्रेलिक एसिड्स का क्लासिफिकेशन क्या है और जिब्रेलिक एसिड्स प्लांट्स के किस किस पार्ट्स पे मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लोकेशन ऑफ जिब्रेलिक एसिड्स एंड हम लोग बोलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ जिब्रेलिक एसिड्स, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।